हेलो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ स्किन इंसीज़न जो कि हम लोग ऑटोप्सी के समय यूज़ करते हैं तो जो डिफरेंट टाइप के इंसीज़न हैं फॉर ओपनिंग द बॉडी कैविटी उनको हम लोग आज एक एक करके समझेंगे तो जो सबसे पहले इंसीज़न है उसका नाम है आई शेप्ड इंसीज़न तो आप लोग फोकस करिए केवल आई शेप पर ठीक है तो ये जो आई शेप इंसीज़न है ये हम लोग मोस्ट कॉमनली इसी इनसीजन को फॉर ओपनिंग द बॉडी कैविटी यूज करते हैं एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम चिन टू द प्यूबिस दैट इज अगर हम मेडिकल भाषा में समझें तो फ्रॉम सिम्फाइसिस मेंटी से लेकर ये एक्सटेंड करता है अप टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस स्पेयरिंग द दैट इज अवॉइडिंग द अम्बलाइकस ठीक अम्बलाइकस इज स्पेयर एज इट इज कंसिस्ट ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू विच इज़ डिफ़िकल्ट टू स्ट्रिच बस इतना सा इसका लॉजिक है जिसकी वजह से हम अम्ब्लाइकस को स्पेयर कर देते हैं इन केस ऑफ आई शेप इंसीज़न दूसरा जो टाइप है वो है हमारा वाई शेप्ड इंसीज़न आप केवल शेप पर फोकस करिए तो आई में सिंपल आपको आई बनाना है कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम चिन से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक दूसरा हमारा जो इंसीज़न है वो है वाई शेप इंसीजन तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ बोथ साइड ठीक है और ये मीट करेगा कहाँ पर टू द मिड क्लेविकुलर पॉइंट बाइलेट्रली तो आपको बाई शेप्ड इंसीजन के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है जो मेस्टोइड प्रोसेस है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे उसको स्ट्रेच करके लेके ले आएंगे मिड क्लेविकुलर पॉइंट तक बाइलेट्रल ऐसा चलेगा हमारा देन अप टू द सुप्रा एक्सटर्नल नॉच एंड फर्दर फिर आप वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे आपने आई शेप इंसीजन के केस में किया था अप टू प्यूबिक सिम्फाइसिस ठीक है तो इस टाइप का जो इंसीजन है वो हमारा होता है वाई शेप इंसीजन स्टार्ट मेस्ट्रॉइड प्रोसेस देन मिड क्लेविकुलर पॉइंट फिर आपको मीट कराना है दोनों को एट द लेवल ऑफ सुप्रा एक्सटर्नल नॉच और फर्दर आप वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसा कि आई शेप इन के केस में किया था कहाँ इसकी इम्पॉर्टेंस है तो इट इज़ सूटेबल फॉर नेक डिसेक्शन जैसे कि एस्फिक्सियल डेथ के केसेस में लाइक ड्यू टू हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन तो उस केसेस में आप लोग वाई शेप इंसीजन को यूज करते हैं थर्ड हमारा जो टाइप है वो है मॉडिफाइड वाई शेप इंसीज़न तो थोड़ा बहुत उसी तरीके का है लेकिन इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है तो वाई शेप इन सीजन में आपने स्टार्ट मेस्ट्रॉइड प्रोसेस से किया था मॉडिफाइड वाई शेप हमारा बेसिकली प्रिफर्ड होता है फीमेल के केस में फॉर कॉस्मेटिक रीजन तो इसको आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड देन कर्व डाउन बिलो द ब्रेस्ट इन केस ऑफ फीमेल एंड बिलो द निपल इन केस ऑफ मेल देन मीट एट दिफॉइड प्रोसेस और फर्दर तो वैसे ही प्रोसीड करना है जैसा कि आई शेप इन सीजन में आपने किया था तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आई शेप के लिए चिन से लेकर प्यूबिक सिंफाइसिस तक यही मोस्ट कॉमन स्किन इंसीजन है जो कि आप बॉडी कैविटी को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं वाई शेप इंसीज़न हमारा नेक ट्रॉमा के केस में जहाँ पर लेयर डिसेक्शन मसल का नीडेड होता है उस केस में आप यूज़ करते हैं वहाँ आप स्टार्ट करेंगे मेस्टोइड प्रोसेस से बायलेटरली, मिड क्लेविकुलर पॉइंट पर आए फिर आप गए सुपर स्टर्नल नॉच तक और फर्दर तो वैसे ही डाउनवर्ड गए जैसा कि आई शेप में था कॉस्मेटिक पर्पस के लिए फीमेल में आप यूज़ करते हैं मॉडिफाइड वाई शेप इन सीजन इसको आप स्टार्ट करेंगे एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड से ठीक है फीमेल के केस में इट गोज़ बिलो द ब्रेस्ट एंड इन केस ऑफ मेल बिलो द निपल बेसिकली मीट करना है एट दिफॉल्ट प्रोसेस पे इन इंसीजन को और फर्दर आपको वैसे ही आई शेप इंसीज़न के तरीके से प्रोसीड करना है तो ये हम लोगों के बेसिक बेसिक तीन टाइप के इंसीजन हुए इसके अलावा कुछ और इंसीज़न है जो कि हमको पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना ज़रूरी है तो फोर टाइप का जो इंसीज़न है वो हमारा कहलाता है टी शेप्ड इंसीजन या इसी को हम लोग सब क्लेविकुलर इंसीजन भी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है टी बनाना है तो ये टी कैसे बनेगा स्ट्रेट इंसीजन फ्रॉम द सुप्रा एक्स्टर्नल नॉच टिल द प्यूबिक सिंफाइसिस तो ये तो हमारा उसी तरीके से हुआ बस वहाँ आई शेप में चिं से स्टार्ट किया था यहाँ पर आप स्ट्रेट इंसीजन सुप्राक्स्टर्नल नॉच से प्यूबिक सिंफाइसिस तक लेकर गए दूसरा अब टी बनेगा कैसे तो फ्रॉम द सुपरा स्टर्नल नॉच इंसीजन को आप एक्सटेंड कराओगे हॉरीजोंटली ऑन द बोथ साइड और कहाँ तक लेके जाएंगे टू द एक्रोमियन प्रोसेस तो इस तरीके से हमारा टी शेप जो है वो फॉर्म हो जाता है ठीक इसका यूज़ आप कहाँ करते हैं जब एक्सप्लोरेशन ऑफ बेस ऑफ नेक इज़ नेसेसरी एज इन डिसेक्शन ऑफ वर्ल्टिब्रल आर्टरी उन केसेस में आप टी शेप इंसीजन यूज करते हैं इन्वर्टेड वाई शेप इन सीजन को अगर हम समझें ठीक है तो फोकस आप करिए बस इन्वर्टेड वाई पे तो इसको भी वैसे एक्सटेंड करा लेंगे ठीक है तो अप टू द अम्बलिकस ये जाएगा वैसे ही जैसे कि आई शेप इन सीजन गया था अम्बलाइकस के लेवल से आपको क्या काम करना है टू लिम्स गोज डाउन टू द इनग्वाइनल रीजन ऑन बोथ साइड तो आपका क्या बन गया ये इन्वर्टेड वाई शेप इन सीजन अम्बलाइकस के लेवल तक तो आई आई शेप की तरीके से ही आए यहाँ से क्या हुआ जो दो लिम निकलेंगे वो आप मीट करा दीजिए इन रीज़न पे तो ये बन जाता है हमारा इन्वर्टेड शेप इंसीज़न ये आप फीटस या न्यूबॉर्न केसेस में यूज़ करते हैं क्योंकि इस केस में क्या है प्रिजर्व हो गई अम्बलाइकल आर्टरी विच इज़ नीडेड टू बी एग्जामिड इन केस ऑफ़ फीटस और न्यूबॉर्न तो ये टाइप का इंसीज़न हमारा कहलाता है इन्वर्टेड शेप ठीक है सिक्स टाइप का जो हमारा इंसीज़न है वो आप बैग पर देते हो इम्पॉर्टेंस इसकी है जो टॉर्चर वाले केसेस होते हैं जहाँ पर ये एलिगेशन आता है कि इस व्यक्ति के साथ टॉर्चर हुआ है लाइक कस्टोडियल डेथ के केसेस में भी ऐसा देखने को मिलता है तो जो इंसीज़न है बैग का इसका फ़ायदा क्या हुआ इसका फ़ायदा ये हुआ जो डीप सीटेड ब्रूज़ हैं अब वो हमको समझ में आ जाएंगे तो आप इजली अप्रीशिएट इन डीप सीटेड ब्रूज़ को कर सकते हैं बाई गिविंग इन्सीजन ऑन द बैक ठीक है तो आज हम लोगों ने समझा क्या क्या टाइप के स्किन इंसीजन होते हैं जिससे कि आप बॉडी कैविटी को ओपन करते हैं ड्यूरिंग द ऑटोप्सी मोस्ट कॉमन जो हमारा इंसीजन है क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर इसको हम लोग कहते हैं आई शेप आई पर बस फोकस करना है तो आप चिन से लेकर मीन्स सिम्फाइसिस मिन्टी से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक गए अम्बलाइकस को स्पेयर कर देंगे अवॉइड करेंगे पर्पस हमारा बस इतना सा है कि डेंस फाइब्रस टिश्यू है तो डिफिकल्टी आती है स्टिच करने में ठीक है दूसरा हमारा वाई शेप इन सीजन है जो कि आप नेक डिसेक्शन अच्छे से कराना चाह रहे हो ठीक है जैसे कि एस्फिक्सियल डेथ में है ना लाइक ड्यू टू हैंगिंग या स्ट्रेंगुलेशन तो जैसे ही कोई बोलेगा वाई तो वाई पर फोकस करेंगे मेस्ट्रोइ प्रोसेस से शुरू हो जाएंगे ठीक है थर्ड हमारा है मॉडिफाइड बाय कॉस्मेटिक पर्पस के लिए एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड से स्टार्ट करेंगे टी शेप को ही हम लोग सब क्लेविकुलर इंसीजन कह रहे हैं तो सुपर एक्सटर्नल से तो आई शेप के तरीके से ही जाएगा वहाँ से आप टी बना लीजिए तो एक्सटेंड करा दीजिए अप टू द एक्रोमियन प्रोसेस ठीक है फिफ्थ टाइप का इंसीज़न इन्वर्टेड वाई है अम्बलाइत तक वैसे ही आइए फिर दोनों लिम्स को आप ले जाइए इनग्वाइनल रीजन तक और सिक्स टाइप का जो इंसीज़न आप बैक पर देते हैं बेसिकली ये आप देखना चाह रहे होते हैं डीप सीटेड ब्रूज को इन केस ऑफ एलेज टॉर्चर केसेस दैट्स ऑल अबाउट द स्किन इंसीज़न थैंक यू